गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट जनरल नॉलेज। ओपन योर बुक। आज हम रीड करेंगे चैप्टर एट। टुडे डेट इज 8/5/2021। आपका चैप्टर आवर नेशन। इंडिया इज आवर मदरलैंड। देयर आर सम नेशनल सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री, दे आर एज फॉलो। यहाँ पे आपके कंट्री के कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। आपका फर्स्ट, सबसे पहले क्या है, नेशनल फ्लैग। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज द ट्रिकलर, तिरंगा। इट हैज स्ट्रिप्स ऑफ थ्री कलर, सैफ्रॉन केसरी एट द टॉप, व्हाइट इज द मिडिल एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम। देयर इज अ व्हील इन सेंटर ऑफ द फ्लैग। इट इज अ बुद्धिस्ट सिंबल डेटिंग बैक टू 200 BC, there are 24 spokes in the wheel. The design of the national flag of India was adopted by India's Constituent Assembly on 22 July 1947. Okay, student? तो आपका क्या है, हमारा, हमारे देश का, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है, जिसमें क्या है, तीन कलर की आपको दिख रही है ना, थ्री कलर की धारियां हैं। सबसे ऊपर क्या है आपका, टॉप पे केसरिया है, मिडिल पे आपका व्हाइट है और बॉटम पे आपका डार्क ग्रीन है। ओके स्टूडेंट्स, इस आपके ध्वज के केंद्र में क्या है, केंद्र में एक पहिया बना हुआ है, ये एक पहिया, ये बौद्ध धर्म का प्रतीक है। किसका है, बौद्ध का प्रतीक है। ओके स्टूडेंट्स, जो आपकी 200 BC ईस्वी पूर्व है, कितना 200 BC आपका 200 ईसा पूर्व का है। ये पहिए में आपकी 24 तीलियां हैं, कितनी तीलियां है इसमें, 24 तीलियां हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन को, जो इसकी डिजाइन है, वो 22 जुलाई 1947 को भारत के घटक आपका विधानसभा द्वारा अपनाया गया था। ये 22 जुलाई 1947 को इसकी डिजाइन को विधानसभा द्वारा अपनाया गया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड आपका आता है नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग हमारा क्या है, वंदे मातरम। तो रीड करेंगे हम इसको, वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। इट वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम को किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। रविन्द्रनाथ सेट इट बाय सेटिंग अ ग्लोरियस टोन टू इट। द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वंदे मातरम हैज बीन रेंडर्ड बाय श्री अरबिंदो। आपके क्या ये, आपका जो वंदे मातरम आपका भारत का राष्ट्रीय गीत है, आपका ये वंदे मातरम आपका राष्ट्रीय गीत है हमारा, यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। रविन्द्रनाथ संघ जो है आपके, इसकी शानदार धुन तय की थी, रविन्द्रनाथ संघ ने इनकी शानदार धुन तय की थी। इस वंदे मातरम का जो अंग्रेजी अनुवाद है, जो वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद है, वो किसने किया था, श्री अरबिंदो ने किया था। एक बार और हमें रिपीट कर रही हूँ, आप लोग ध्यान सुनिएगा। आपका जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है, वंदे मातरम है, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। रविन्द्रनाथ सर ने इनका क्या किया था, इसकी शानदार धुन तय की थी। और वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद लिखा है ना आपका, इंग्लिश ट्रांसलेशन, अंग्रेजी अनुवाद आपका अरबिंदो ने किया था, अरबिंदो द्वारा किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका नेशनल सॉन्ग हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेशनल फ्लावर। ओके स्टूडेंट्स, लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। हमारे देश का राष्ट्रीय फूल क्या है, लोटस है, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। द लोटस सिंबोलिसिस डिग्निटी फर्टिलिटी वेल्थ नॉलेज एंड एनलाइटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका नेशनल फ्लावर हमारा क्या है, लोटस हो गया। भारत का हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। कमल किसका प्रतीक है, कमल आपकी गरिमा, प्रजनन क्षमता और नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक है। ओके स्टूडेंट्स, हमने आपको यहाँ तक रीड करा दिया। अब आपको नेशनल एनिमल और नेशनल बर्ड, आपको SW है, आप लोग रीड करिएगा। ओके, आप लोग भी, आप ये
4 मैंने आपको रीड करा दिया, 2 आपको SW है आप लोग रीड करिएगा, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट डे आपका ये कंप्लीट कराऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट डे कंप्लीट कराऊंगी। ओके, थैंक यू।